बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में कुछ ऐसा हो गया जिसे देख सब दंग रह गए। दरअसल मीरपुर में खेले गए इस मुकाबले के दौरान बांग्लादेश के कप्तान मशरफ़ मुर्तजा का एक क्रेजी फैन ग्राउंड में घुस आया और सीधे फील्डिंग कर रहे मुर्तजा के पास पहुंच गया। उस फैन के पीछे पीछे ग्राउंड का सिक्योरिटी स्टाफ भी दौड़ते हुए आया और गुस्से से उसे खींचकर बाहर ले जाने लगा। मैच की दूसरी पारी के 29वें ओवर में जब अफगानिस्तान की टीम 280 रन के टारगेट का पीछा करते हुए 102 रन पर 7 विकेट खो चुकी थी, तभी वो क्रेजी फैन दौड़ते हुए आया और मिड ऑन पर फील्डिंग कर रहे मुर्तजा के पास पहुंच गया। उस फैन को अचानक दौड़ते देख सिक्योरिटी स्टाफ भी अलर्ट हो गया और एक के बाद एक कई सुरक्षा कर्मी उसे पकड़ने के लिए वहां पहुंच गए। गुस्साए गार्ड जब उस फैन को कॉलर से खींचकर बाहर ले जा रहे थे तो वो मुर्तजा के गले लगा हुआ था और मुर्तजा भी उसे खुले दिल से गले लगा रहे थे। जब गार्ड्स उसे वहां से खींचने की कोशिश करने लगे तो मुर्तजा ने उन्हें रोक दिया और ये कंफर्म किया कि गार्ड्स फैन से बदतमीजी ना करें। यहां तक कि मुर्तजा खुद अपने इस फैन को अपने साथ बाउंड्री लाइन तक छोड़कर भी आए, साथ ही ये भी देखते रहे कि गार्ड्स उसके साथ बुरा बर्ताव ना करें। इस मैच को बांग्लादेश ने 141 रन से जीता। हालांकि ये मुकाबला प्रदर्शन के लिहाज से मुर्तजा के लिए कुछ खास नहीं रहा क्योंकि उन्होंने बल्लेबाजी में सिर्फ 2 ही रन बनाए तो गेंदबाजी में भी उन्हें 1 ही विकेट मिला। लेकिन इस तरह का जिंदा दिल व्यवहार दिखाकर मुर्तजा ने न सिर्फ अपने फैंस का दिल जीत लिया लेकिन इस तरह का जिंदा दिल व्यवहार दिखाकर मुर्तजा ने अपने फैंस का दिल जीत लिया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।